नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैदराबाद और बेंगलुरु के मैच के बारे में। तो क्या रहने वाला है हैदराबाद का प्लेइंग 11 और क्या रहने वाला है यहाँ पे बेंगलुरु का प्लेइंग 11। मैच प्रिडिक्शन क्या रहेगा, टॉस प्रिडिक्शन क्या रहेगा, ड्रीम 11 टीम क्या रहेगा, किसको आप अपनी टीम के कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, टॉस रिपोर्ट क्या रहेगा, पिच रिपोर्ट कैसा रहेगा, वेदर रिपोर्ट कैसा रहेगा और मैच से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैच डिटेल के बारे में। तो आईपीएल का 41वां मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद और यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच। और डेट और टाइम के बारे में बात करें तो मैच खेला जाएगा 25 अप्रैल 2024 को और इसका टाइमिंग रहेगा 7:30 PM। वेन्यू के बारे में बात करें तो मैच खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये हैदराबाद में। और वहीं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो अपन मोबाइल पर देख सकते हैं जियो सिनेमा पर फ्री में और अपने टीवी पर देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स पर। वहीं पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो हैदराबाद का पिच काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली है और बैट्समैन को काफ़ी आसानी होगा शॉट खेलने में और उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा पिच से। वहीं बॉलर को इस पिच पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। वहीं यहां का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर के बारे में बात करें तो यहां का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 161 रन है और मुझे नहीं लगता है कि जो टीम 161 बना पाएगी वो मैच जीत पाएगी। उनको जितना है तो कम से कम 200 प्लस बनाना पड़ेगा इस पिच पे। और वहीं बॉलर के बारे में बात करें तो यहाँ अब तक फास्ट बॉलर को 543 विकेट मिला है, वहीं स्पिन बॉलर को 229 विकेट मिला है। तो लगभग डबल से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो फास्ट बॉलर काफ़ी इफेक्टिव रहने वाले हैं हैदराबाद के पिच पे, तो उनको अपने ड्रीम 11 टीम में आप लोग जरूर रखिएगा। और वहीं बात करें राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में तो यहाँ IPL का अब तक 73 मैच खेला जा चुका है और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 32 मुकाबला जीता है और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 41 मुकाबला जीता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा एडवांटेज है और मुझे लगता है जो टीम टॉस जीतेगी तो वह यहाँ पे पहले चेजिंग ही करना चाहेगी क्योंकि यहाँ चेजिंग का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है और जो टीम ने पहले चेजिंग किया है तो उनको काफ़ी ज़्यादा जीत मिली है कंपेयर करें पहले बैटिंग करने वाली टीम से। और वहीं वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर रहने वाला है 39 डिग्री सेल्सियस। वहीं ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें तो वो रहने वाला है 25% और रेन प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो वो रहने वाला है 0%। तो मौसम काफ़ी गर्मी भरा रहने वाला है, टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा और प्लेयर को खासा दिक्कत होगा मैच खेलने में, उनको गर्मी से परेशान करेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेंगलुरु और हैदराबाद के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, उनका कैसा रहा है IPL के इतिहास में आपस में प्रदर्शन। तो बेंगलुरु और हैदराबाद ने आपस में IPL में अब तक 24 मुकाबला खेला है जिसमें से यहाँ पर बेंगलुरु को 10 मैच में जीत मिली है और वहीं यहाँ पर हैदराबाद 13 मैच में जीत पाई है और एक मैच का नो रिजल्ट रहा है। तो लगभग बराबरी का मुकाबला रहता है लेकिन यहाँ पे हैदराबाद काफ़ी लीड करते हुए दिख रहे हैं 3 मैच से हेड टू हेड रिकॉर्ड में। और वहीं हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेंगलुरु का हाईएस्ट स्कोर है 262 रन का और उनका लोवेस्ट स्कोर है 68 रन का यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ। सनराइजर हैदराबाद के हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर के बारे में बात करें तो उनका हाईएस्ट स्कोर है 287 रन का और उनका लोवेस्ट स्कोर है 125 रन का यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ। तो यहाँ पर हैदराबाद काफ़ी लीड करते हुए दिख रही है बेंगलुरु पे। तो हम लोग बात करने वाले हैं दोनों टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, क्या रहने वाला है यहाँ पे रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और सनराइजर हैदराबाद का प्लेइंग 11 IPL के 41वें मुकाबले में। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेंगलुरु के बारे में। तो बेंगलुरु के ओपनर और कैप्टन है फाफ डु प्लेसी, इनका साथ देते हैं विराट कोहली। इनके बाद आते हैं विल जैक आते हैं, राजत पाटीदार, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर हैं। इनके बाद आते हैं महिपाल लोमरोर, कर्ण शर्मा, लॉकी फर्गूसन, यश दयाल और मोहम्मद सिराज। वहीं टॉप प्लेयर के बारे में बात करें तो बेंगलुरु से टॉप प्लेयर आने वाले हैं विराट कोहली रहने वाले हैं, विल जैक रहने वाले हैं और यहाँ पे रहने वाले हैं दिनेश कार्तिक। ये तीनों प्लेयर काफ़ी फॉर्म में चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बेंगलुरु के लिए। और वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं हैदराबाद के प्लेइंग 11 के बारे में। तो हैदराबाद के ओपनर है अभिषेक शर्मा, इनका साथ देते हैं ट्रेविस हेड और इनके बाद आते हैं एडन मार्करम, हेनरी क्लासन विकेट कीपर हैं। फिर आते हैं अब्दुल समद, नीतीश रेड्डी, शहबाज अहमद, पैट कमिन कैप्टन हैं। फिर आते हैं भुवनेश्वर कुमार, मयंक मारकंडे और टी नटराजन। वहीं टॉप प्लेयर के बारे में बात करें तो टॉप प्लेयर रहने वाले अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और यहाँ पे रहने वाले हेनरी क्लासन। ये तीनों प्लेयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हैदराबाद के लिए और काफ़ी मैच विनिंग इन्होंने पारी खेली है हैदराबाद के लिए। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं की प्लेयर के बारे में। वैसा मैं 4 प्लेयर का नाम बताऊंगा जो इस मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिनको आप अपनी टीम के कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हैदराबाद से की प्लेयर रहने वाले हैं ट्रेविस हेड और यहाँ पे रहने वाले हैं पैट कमिन, दोनों काफ़ी अभी फॉर्म में चल रहे हैं। ट्रेविस हेड ने विस्फोटक पारी खेली है और इन्हों काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, पावर प्ले में ये अच्छी शुरुआत दिलाते हैं सनराइजर हैदराबाद को।
और वहीं यहाँ पे बेंगलुरु के की प्लेयर के बारे में बात करें तो विराट कोहली रहने वाले हैं। और यहाँ पे दिनेश कार्तिक, विराट कोहली हर मैच में बेंगलुरु को अच्छी शुरुआत दे ला पाते हैं, लेकिन वो बड़ा इनिंग खेलने में अभी तक नाकाम रहे हैं। सिर्फ एक इनिंग का सेंचुरी आई थी, उसके अलावा इन्होंने कुछ बड़ा इनिंग नहीं खेला है। या अब हम लोग बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, क्या रह सकता है ड्रीम इलेवन टीम। तो यहाँ पे मैंने विकेट कीपर में लिया हेनरी क्लासन को और दिनेश कार्तिक को, दोनों काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, अभी टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। और वहीं बैट्समैन के बारे में बात करें तो मैंने लिया यहाँ पे ट्रेविस हेड को, फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली और अभिषेक शर्मा को, चारों प्लेयर काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इनको मिस मत करिएगा। वहीं ऑलराउंडर के बारे में बात करें तो मैंने लिया यहाँ पे कैमरून ग्रीन, विल जैक और नीतीश कुमार रेड्डी को। वहीं बॉलर के बारे में बात करें तो मैंने लिया है पैट कमिन और यहाँ पे टी नटराजन को। आप लोग चाहें तो पैट कमिन या टी नटराजन के जगह यश दयाल या मोहम्मद सिराज को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो मैंने एक कैप्टन यहाँ पे बनाया है ट्रेविस हेड को, ये काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और काफ़ी अच्छी शुरुआत दिलवाते हैं ये सनराइजर हैदराबाद को। वहीं वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो मैंने बनाया है विराट कोहली को, ये भी काफ़ी अच्छी ओपनिंग करते हैं और काफ़ी अच्छी शुरुआत दिलाते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को। वहीं मैच प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से सनराइजर हैदराबाद ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि वो है काफ़ी अभी फॉर्म में चली है और काफ़ी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और एक मैच खेला गया था 2024 आईपीएल में बेंगलुरु के खिलाफ, तो इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था और इन्होंने आईपीएल का हाइस्ट स्कोर बनाया था, तो मेरे हिसाब से सनराइजर हैदराबाद ये मैच जीतने वाली है। वहीं टॉस प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से हैदराबाद टॉस भी जीत सकती है। अगर हैदराबाद टॉस जीते तो वो पहले चेजिंग करना चाहेगी, अगर पहले बेंगलुरु बैटिंग करती है तो आप लोग को 190 से 200 के बीच स्कोर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद बैटिंग करती है पहले तो आप लोग को 200 से 220 के बीच स्कोर देखने को मिलेगा। और इसी तरह का ड्रीम इलेवन टीम और मैच प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।